डन आई तो सबने देखा होगा, किसी ने पास से देखा होगा तो किसी ने फोटो में देखा होगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं बरेली आई इस व्लॉग में, और यहाँ पे हम पहुँचे थे जूडियो। यहाँ पे थी 299 में, 399 में स्लीपर्स, वो भी बहुत अच्छी अच्छी टॉप्स थे, बहुत यूनिक कलेक्शन आया हुआ था। पूरा व्लॉग एंड तक देखो ताकि आपको पता चले कि गर्ल्स और मेंस में कौन कौन सा कलेक्शन और कैसा कैसा कलेक्शन आया, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखो। आप लोग व्लॉग्स देख रहे हो और आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा बरेली घूमेंगे, और बरेली में हम क्या करते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या क्या चीजें कुछ करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें स्टूडियो के लिए भी करना है, कुछ काम फोटो क्रिएट कराई थी तो उसकी फोटोज करानी है। कैसे कौन कौन सी फोटोज कराते हैं हम आपको सब कुछ दिखाएंगे इस व्लॉग में, तो बने रहो एंड तक। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज कर दीजिए, वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो लास्ट तक देखिए और ढेर सारा प्यार दे, हमें बहुत जरूरत है। हो रहा था बहुत ही प्यारा, तो चल पड़े लंदन आई नहीं बरेली आई देखने के लिए, तो चलो चलते हैं। और ये आपको बता दूं, जो ये बरेली आई है ना, ये अर्बन हार्ट के जस्ट पास में ही है, रामपुर गार्डन के जस्ट बैक साइड में। तो आप लोग भी यहाँ पे जाकर कैसे देख करके आओ, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। अभी ये चालू होगा तो हमें भी पता चलेगा, बट ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पास से, सच बता रहा। मौसम अच्छा हो रहा था तो सोचा कि चलो दाल खाने चलते हैं। वहीं पर ही पास में शॉप थी हमारे, उस पर वाइपर जो है वो क्लियर नहीं था, तो उसको कराया पहले साफ सही, तो ये भैया कर रहे हैं उसको ठीक, और मतलब दूसरा लगा रहे हैं ठीक, क्या कर रहे हैं। फिर हम पहुँचे दाल खाने के लिए, उससे पहले हमने खाए यहाँ पे छोले कुलचे, चर्च गेट के पीछे बहुत फेमस है यहाँ हमारे बरेली में। फिर हमने खाई दाल जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है, मज़ा ही आ गया। अभी हमने हेल्दी हेल्दी चीज़ें खा करके अब हम लोग जा रहे हैं जूडियो, तो चलो चलते हैं जूडियो। हेल्दी चीज़ें तो खाई हमने, मुरादाबादी दाल, इट्स टू हेल्दी, बटर के साथ। हाँ, और टमी के लिए कितना अच्छा होता है, बहुत यम्मी थी, अच्छी थी। मैं तारीफ नहीं करूंगी ज्यादा क्योंकि कोई फायदा नहीं है। बटर में सिर्फ कुलचे, बटर वाले छोले, बटरी बटरी, क्या हेल्दी चीज है, हेल्दी चीज है एकदम। आज के हम जूडियो, वही पास में ही था बिल्कुल सिविल लाइन्स में। तो ये जूडियो पे आप देख रहे हो, ये वाली जो शर्ट वाला टॉप था ये था 599 का। इसके जो बाजू में वाइट वाला देख रहे हो ये भी 599, ये 399 का टॉप था। ये नीचे जो था ये 299 का है, और इस पर मैं टैग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये मैंने उल्टा दिखा दिया क्योंकि मुझे क्लियरली सामने से नहीं दिख रहा था। बट ये भी काफ़ी क्यूट था स्टफ़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी अच्छा था। ये ब्लू वाला जो टैंक टॉप है ये 299 का था, वाइट वाला 399 का था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बाकी नैरो में जीन्स वगैरह थी, इनकी रेंज जो थी 799 समथिंग थी, और ये नीचे और भी कलर्स और इनके साइज़ अवेलेबल थे। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे टी शर्ट्स और लॉन्ग टॉप्स वगैरह, मेडीज वगैरह भी थी। तो 299 में इतनी अमेजिंग अमेजिंग टी शर्ट्स वगैरह थी, अगर आपको घर पे वेयर करनी है। ये शर्ट थी 499 की, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 299 में इतनी सारी टी शर्ट्स थी तो लोगों ने फैला रखा था, और ये जो टॉप था ना ये बहुत क्यूट लग रहा था, ये समथिंग 599 का था। ये इसके जो वाइट वाला कॉर्सेट वाला है ये भी 599 में था। जो ये नीचे मिडीज लगी हुई हैं ये सारी 699 में है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये 699 का था, मैंने आपको सही बताया, इसमें कलर आपको ब्लैक भी अवेलेबल मिलेगा, और ये ऊपर और भी टॉप वगैरह लगे हुए थे। ये टॉप मैंने देखा भी, मैंने कहा बहुत छोटा सा है बट ये मुझे इतना ठीक नहीं लगा, बट ठीक था मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा इस टॉप में। फिर मैं पूछ रही थी कि इसके नीचे का है भैया, इसलिए मैं हंसने लगी। तो ये मिडीज वगैरह लगी थी, काफ़ी कूल लग रही थी। ये टॉप बहुत ही क्यूट था, पिंक कलर का, ऊपर इसकी जर्किन में स्टोन चेन टाइप लगा हुआ था, ये बहुत प्यार था। ये मैंने लिया, इसको बाई भी किया है, जो आप थंबनेल देख रहे हो उसमें मैंने यही टॉप पहन रखा है, और ये बहुत क्यूट लग रहा था। अगर आप इसको अंदर वेयर करो और फिर इसके ऊपर जैकेट वेयर करो तो ये बहुत क्यूट लगेगा। तो इस टॉप को तो मैंने लेकर के फटाफट से चलती बनी क्योंकि ये टॉप बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अगर आप अंदर जैकेट वेयर करो और ऐसे पहनो तो बहुत स्टाइलिश और कूल लगेगा। सामने आप देख सकते हो लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह भी थी, जैसे कि ये कुर्ती इस टाइप में पैटर्न था। ये सारी चीज़ें जो थी ये 699, 799 और 899 में थी, और कुछ जो थी वो 999 में भी थी। जैसे कि आप ये देख रहे हो ये था 599 में, ये मुझे इतना खास नहीं लगा बट ठीक था। ये शर्ट थी ये भी अच्छी थी, ये थी 499 में। हार्ट को चप्पलों पर बना दिया,
कहना ये है कि हार्ट्स की जो वैल्यू होती है वो दिल में होनी चाहिए, चप्पलों पे नहीं। सेंटी बात कर दी मैंने कुछ, है ना। जो आप पेयर ऑफ स्लीपर्स देख रहे हो ये 299, 399 में थे नीचे भी और ऊपर भी, तो ये बहुत क्यूट लग रहे थे, कंफर्टेबल भी हैं। बट कुछ कुछ का सोल था वो थोड़ा हार्ड था, मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ एज़ यू ऑल नो। बाकी ये यहाँ पे सारा कलेक्शन लगा 299, 399, ये जो सारी चीज़ें हैं 399 में और कुछ 499 में, ये बहुत अमेजिंग था। अब तो शूज़ में भी एक न्यू कलेक्शन आ गया है पीछे से ओपन वाला, और ये काफ़ी कम्फर्टेबल और अच्छा लुक वाला है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो 399 में। बात करते हैं मेन सेक्शन में, बहुत यूनिक सा कलेक्शन आया हुआ है, प्रिंटेड में भी शर्ट्स वगैरह हैं, जॉगर्स भी है और वाइड लेग पैंट्स भी हैं। वाइड शर्ट 399, 499, और जैसे कि आप ये देख रहे हो 399 में, ये जो शर्ट थी ना न्यूज़पेपर वाली, बड़ी क्यूट लग रही थी। मैंने कहा संतु से इसको ले लो, उसने कहा मैं न्यूज़पेपर बन के जाऊँगा, किसी ने फाड़ दी तो। फिर ये जो शर्ट थी ये थी 599 की, टी शर्ट थी, क्यूट से टी शर्ट्स थी। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इस टाइम पे बॉयज़ का। हेलो गाइस, तो और ये जैसे निकर्स वगैरह थे ये 599 का था, बट इतना मुझे वर्थ इट नहीं लगा। इसके बाद जो मैं जीन्स वाला डैनम में ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है 599 में, तो आप ये चीज़ें ऐसे बाय कर सकते हो। अगर आपको मन है तो आप ऐसे बाय कर सकते हो, बट मेरे को बिलीव है कि उससे ज़्यादा क्यूट 599 में और अच्छे मिल सकते हैं। ये जो थे ये 999 में थे, ऐसे काफ़ी सारे पेंस और साइजेस अवेलेबल थे। थोड़ी सी सेल्फ पैम्परिंग करनी थी तो फिर हम निकल पड़े जहाँ पे अभी हमें जाना है। रुको अभी दिखाते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। सुबह से डाल रखा है, अब आ पाए फाइनली। तो आप लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर कुछ दिख रहा है? हो गया बिफोर एंड आफ्टर कुछ दिख रहा है? तुम देखो अपना मुंह, नहीं लाल हो रहा है मेरा मुंह। नटराज स्टूडियो कलर लैब पे, यहाँ पे फोटोज निकलवाने के लिए अभी हम आए थे स्टूडियो, इसलिए आए थे कुछ पिक्चर्स निकलवानी थी जो हमारी फोटोग्राफ थी उसके लिए, साइजेस में फोटोज, तो अभी वो मिलेंगी थोड़ी देर में। और अब हम जा रहे हैं, भैया हमें एक घंटे बाद देंगे फोटोज। मैं अपने स्टूडियो पे वर्क कर रही हूँ, उस स्टूडियो पे कुछ फोटोज लगानी है, उसके लिए फोटोज निकलवानी थी, तो फोटोज निकलवानी है। संतू भी वो लेने के लिए गया है और उसके बाद हम जाएंगे घर पर, तो फिर चलते हैं। तो हमने फोटोज ले ली है और ये इसमें दीपक के थैले में, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। और आज हमारा डे बहुत ज़्यादा अच्छा गया, अमेजिंग, हमने बहुत सारी मज़े मस्ती करी, बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट थी वो कम्प्लीट करी, और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो ये वाला व्लॉग हमारा यहीं पे ही एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। और ढेर सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मोटिवेशन और बढ़ता जाए हमारा, ठीक है। कमेंट्स कर दिया करो प्यारे प्यारे, मिलते हैं कल।